हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं बरसात के मौसम में द किंग ऑफ डेजर्ट्स ऑफ जलंधर। क्या है ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, ये हमारी स्कीम है, हम नहीं बताते, अब हम मुशार हो गए हैं बहुत। तो ये मतलब सबने ये आते ही हैं, कई हर संडे आते हैं, कई रोज आते हैं, मतलब सब आते ही हैं इधर। मतलब इतनी ये कॉमन और सबसे बढ़िया जगह है, कंप्लीट प्लेस है मीठे के लिए। From car to this big showroom, like the story is inspirational. ये जो rise इन्होंने किया है ना, तो ये शायद ही किसी ने किया। बस बस बस, सही बात है। तो अब मारते हैं एंट्री शोरूम में, giant showroom। सबसे पहले गाइज हम डिजर्ट्स के आइसक्रीम्स के सेक्शन में आए। सॉरी, डिजर्ट्स तो सारी है यहाँ पर। तो ये है भाई फलूदा ग्लासेस, सारे शुगर फ्री रसमलाई भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको रेडी मिलेंगे ये स्पंजी रसगुल्ला, क्या ये सारी कुल्फीज हैं, और ये है आइसक्रीम्स की वेरिएशंस। इसमें से मेरे पति को ये ब्लूबेरी बहुत पसंद है। क्या करते हो जीजू? तो एक गुलकंद आइसक्रीम इनकी बहुत अच्छी है, ड्राई फ्रूट से भरी। तो ये सारा मतलब लाइक सेक्शन है आइसक्रीम्स का। जब आप एंटर करोगे वहाँ से आपको लेफ्ट साइड ये आइसक्रीम का सेक्शन मिलेगा। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है ना, इतना मतलब जायंट बना लिया इन्होंने, हर चीज़ कवर की है। तो ये सेक्शन आता है कन्फेक्शनरी का। सो लाइक इन्होंने ये बेकरी भी स्टार्ट कर ली है। सो ये बहुत सारी वेरिएशंस आप देख रहे हो बिस्किट्स में, जिसमें आटा बिस्किट, जीरा बिस्किट, केक रस्क, एवरीथिंग इज़ देयर, ड्राई फ्रूट केक्स, ये सारे आपको मिलेंगे। और इम्पोर्टेड चीज़ें भी हैं यहाँ पर वेफर्स के, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स होते हैं, तो वो सब गाइस अवेलेबल है। सो मतलब कन्फेक्शनरी भी आ गया, ये अगला सेक्शन है आइसक्रीम्स के अलावा, जो जो चाहिए। ये देखो पैकिंग्स कितनी अच्छी है चॉकलेट्स की। सो लिटरली इट्स माउथ वाटरिंग यार, मुझे बहुत पसंद आई। सब जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो। ये ड्राई जो है कपकेक्स एंड ऑल, देन ये बहुत स्पेशल इनके केक्स, आटा बिस्किट्स भी हैं। और ये सेक्शन आता है सैंडविचेस एंड पेस्ट्रीज का। सो पेस्ट्रीज के प्राइजेस की बात करी जाए तो नॉर्मल ही हैं, 30 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं पाइनएप्पल पेस्ट्री, और 70-80 रुपीज़ तक जाता है। सो गाइस ये एक काउंटर है जहाँ से आपको लाइक जो भी ऑर्डर है आपको ये स्लिप वगैरह कटवानी पड़ेगी। तब काउंटर जो भी चाहिए आपको पहले बिल करवा लो, या और फिर आप वहाँ पे जाके स्लिप लेकर इंजॉय कर सकें। और यहाँ पे सेक्शन ख़त्म नहीं होता, तो इसके बाद आता है इनकी पैकिंग्स का काम जो इन्होंने रिसेंट स्टार्ट करा है। और मिठाइयाँ भी है गाइस, लाइक वही तो बोल रही हूँ कि आप जो चीज़ का नाम लोगे तो वो सब आपको मिलेगा। तो यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती गाइस, ये देखो मिठाइयों का सेक्शन, मिठाइयों में भी आ गए हैं भाई, ये सबको टक्कर दे रहे हैं। क्या बात है, ये मेरी फेवरेट है गाइस, छेना मुर्गी खीर, चेक कर कितनी मजे लग रही है। क्या बात है, ये खीर की पैकिंग 80 रुपए का डब्बा बस। तो ये सारा ही मिठाइयों का सेक्शन, आई थिंक वीडियो में भी कैप्चर कम होगा, रियल में आओगे तो आपको सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। मतलब देखने में सब कुछ फ्रेश लग रहा है, और साथ में लिखा हुआ है यूज बिफोर, बस बस जो यूज हो गया ठीक है, नहीं तो ये फेंक देते हैं। बस बस बिल्कुल, ब्याह शादियों के लिए भी डब्बे भी हैं, पैकिंग भी आप यहाँ से ले सकते हो, हर चीज़ है। सो लाइक अंदर भी है स्पेस कि आपने अंदर आके खाना है कुछ, तो डेफिनेटली यू कैन हैव। सो गाइस लाइक बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर मिठाइयों की भी। तो लाइक आप देख सकते हो लाइक कोटेड ड्राई फ्रूट्स एंड जो स्पेशल मिठाइयाँ जो आप नाम लोगे आई थिंक यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो वेडिंग ऑर्डर्स वगैरह भी ये लेते हैं, तो आप एक बार अब ज़रूर टेस्ट करना। उतनी देर हम जो इनकी स्पेशल मिठाइयाँ ना वो टेस्ट करने वाले हैं, और आप लोगों को बताएंगे ज़रूर कि कैसा है। मेरी स्पेशल मिठाई है काजू कतली और ड्राई फ्रूट लड्डू, और वो छैना मुर्गी और कराची हलवा, काफ़ी कुछ है मुझे जो पसंद है। तो मैं वो सारा भैया को बोला कि हमें टेस्ट करवाओ, तो आपके साथ फीडबैक उसका शेयर करते हैं। तो पहले ना इनकी मिठाइयाँ ट्राई करते हैं, ठीक है? तो लाइक मैंने जो जो इनकी स्पेशल थी ना, हमने बोला कि हमें प्लीज़ बताइए और हम टेस्ट करें। सबसे पहले ये ना चॉकलेट कोटेड है आलमंड्स, वही यम्मी है। एक ना इनकी स्पेशल थी पान वाली काजू कतली, बड़ी सॉफ्ट, बीच में प्रॉपर पान का फ्लेवर आ रहा है। एक इनकी जम्मू बर्फी ये हम ट्राई कर रहे हैं, जम्मू बर्फी का जम्मू टॉफी फ्रेश है, मतलब डिफरेंट टेस्ट है। जो चॉकलेट बर्फी होती है ना, इसकी फेवरेट मुर्गी छेना मुर्गी, आई लव छेना मुर्गी।
बहुत मीठा हो गया आज ये, इनकी फेमस है छेना मुठ्ठी, मतलब सारे ही ओनर इन्होंने पकड़ लिए हैं। गाइस यहाँ पे ना छेना मुठ्ठी ज़रूर खाना, बड़ी जूसी है, ऐसे नहीं है ड्राई ड्राई नहीं है, खाओगे ना ऐसे मुँह में रस आएगा। मैं ये सारी खाने लगी हूँ। मैंगो रोल तो आप सबने खाया ही होगा, आम पापड़ रोल कहते हैं कैसा। ये वेडिंग्स में बहुत ऑर्डर्स, ये लोग लाइक वेडिंग बॉक्सेस में बहुत जाते हैं मैंगो रोल्स, है ना। ठीक है, मुझे मतलब अच्छा लगा, अच्छा है, बट छेना मुर्गी नंबर ले गई है। और एक इनकी ये जम्मू टॉफ़ी बहुत अच्छी है, ये जो कोटेड वाले एलमंड्स ये भी बहुत अच्छे, पर तीसरा आप देखते हैं तीसरे बहुत अच्छा है। तो मिठाइयाँ भी एक बार आप देख सकते हो यहाँ पर, काफ़ी वेरिएशंस और पैकिंग्स भी मतलब काफ़ी हैं यहाँ पर अवेलेबल। जैसे कोई भी लाइक अब जैसे सीजन फेस्टिवल्स के आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली लेके जा सकते हो, मतलब छेना मुर्गी गाइस वर्थ ट्राइंग है। मैं कोटेड बादाम खा रहा हूँ। छेना मुर्गी, छेना मुर्गी वाले साइड कौन कौन है प्लीज़ बताएं, साइड कौन कौन है। चॉकलेट वाली साइड तो सारे होंगे। जिसको छेना मुर्गी पसंद है वो सब्सक्राइब करो, तो चॉकलेट पसंद है वो शेयर करो। हाँ चैनल मतलब कितने साल हो गए शॉप में? शॉप में हो गए जी, हमारे फादर साहब पहले करते थे जी, 60 के करीब जो यहीं से काम शुरू किया। हाँ पहले शॉप थी या स्टॉल? पहले बाहर स्टॉल ही लगता था, धीरे धीरे बस जैसे जैसे काम बढ़ता गया मार्केटिंग होती रही, जैसे हम साथ में खुद लगे उनके तो फिर और बढ़ाते गए साथ में। पहले तो नॉर्मल कुल्फी होती थी स्टिक वाली, अच्छा स्टिक कुल्फी से शुरू हुए, स्टिक कुल्फी हो गई जहाँ वो फलूदा रबड़ी वाला गिलास, तो उसके बाद धीरे धीरे चलते 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 बस और आइटमें थोड़ी सी बढ़ाते रहे। फिर ये होता था गर्मी में तो कुल्फी या आइसक्रीम बिकती थी, और सर्दी में क्या होता था गजरेला गुलाब जामुन शुरू कर दिए, वो फिर वो काम चलता रहा। अब आज भी हमारे गुलाब जामुन जो हैं बहुत बहुत पॉपुलर हैं, छोटे वाले बहुत पॉपुलर हैं। उसके बाद बहुत जो बड़ा गुलाब जामुन है उसको हमने ट्रेंड को शुरू किया था, उसके बीच में बादाम की गिरी, और कस्टमर जब खाते भी तो देखते यार इसमें बादाम कैसे डाला हुआ है। आपकी टूटी फ्रूटी का ग्लास बड़ा फेमस है, पैकिंग का गिलास तो फेमस है, स्टिक वाली कुल्फी से भी हमारी स्टार्टिंग हुई है। स्टिक वाली कुल्फी तो बहुत ही टेस्टी, वो तो आज भी कस्टमर को वही टेस्ट मिल रहा है जो 50 साल पहले मिलता था। रेट भी इसका बहुत जेन्युइन है, रेट भी जेन्युइन है, और वैसे भी कस्टमर की पैसे खर्च के तसल्ली होती है। बस बस सही बात है, ये हमारे को बढ़िया लग रहा है। तो अब आपने जैसे बेकरी भी साथ में डाल लिया है? बेकरी हमने आज 4 साल पहले शुरू की है अभी। अच्छा, और मिठाइयां आपका आइडिया था कि ये हम अभी ये पहले तो हमारे को कुछ खुद ही नहीं पता चल रहा था, अब हमारे को ये पता चल रहा है कि कस्टमर जब वही चीज आकर रिपीट उठाता है ना, फिर हमारे को तसल्ली होती है कि हमारी आइटम ठीक है, हाँ रेट भी जेन्युइन है और आइटम भी एक्स्ट्रा बनाई हुई है। तो बेकरी और ये मिठाइयों का करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे मिठाइयों को भी बढ़ाते रहे साथ में, धीरे धीरे देख रहे थे टेस्ट। पहले हमारे पास बाहर जैसे काउंटर लगाते थे पहले, धीरे धीरे हम काउंटर पे ही हम बाहर में ना जब कोई फेस्टिवल सीजन होता था तो कुछ पहले माहौल ही ऐसा होता था कि बस हम सड़क पे ही मिठाई लगा देते थे, टेबल वगैरह लगा के ना। अगर हमारे हमारे कुछ पीछे भी नहीं है कुछ, तो बाहर भी हमने टेबल पे मिठाई वगैरह लगी होती। आज तो क्या कि कोई नंगी चीज नहीं हम रख सकते, हाइजीनिक काम हो गया। पहले तो लोग पता नहीं कुछ ऐसे देखते भी नहीं थे, क्या है कि जो हमने पहले खा लिया है ठीक है ना, वो आजकल के बच्चे नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, उनको प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया चाहिए। अगर हम उसी को लेकर चले हैं तो तब हम आज यहाँ तक पहुँचे। मतलब चेंज इज अ न्यू कांस्टेंट, वही आजकल जो वो है सही, जैसे हमारी ऊपर पूरी है, भटूरे हैं, पूरी है, ऊपर भी आपका रेस्टोरेंट है, ये भी रिसेंट खुला आपने? हाँ उसको हो गए 5-6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। अच्छा हमें नहीं इसका पता था, पहली बार। भेड़मी पुड़ी है हमारी बहुत बढ़िया, वो अलग ही आटे की पुड़ी बनी हुई है। क्या बात है, आटे की पुड़ी कोई भी नहीं जल्दी किए बनाता है, नहीं बनती, रोज बनाते हैं, डेली बनती है, डेली सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है। अच्छा, और शाम को 3-4 बजे तक चलती रहती है। और रेस्टोरेंट में हमारे साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टी सब कुछ चल रहा है। फिर किसी टाइम आकर रेस्टोरेंट कवर करेंगे। इधर तो आगे इतना वैरायटी है, पता लगता है क्या खाएं क्या छोड़ें, मतलब पेट भर जाता है, मन नहीं भरता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ओके थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, स्पेशल में ये क्या स्पेशल होता है? रबड़ी, रबड़ी ऐड होती है, ठीक है, नहीं नॉर्मल होती है, उसमें रबड़ी नहीं होती है। ठीक है ठीक है, हां हां, ये हमारी स्पेशल रबड़ी कुल्फी बन रही है फलूदे वाली, स्पेशल में रबड़ी ऐड है। हाँ हाँ, मतलब जो इधर आया उन्होंने तो ये फलूदा इसको तो खाई होगी, बस मज़ा आ गया देखकर। तो ये फलूदा ग्लास बन रहा है, ये गई रबड़ी, फलूदा रबड़ी,
संडे तो चीट मील चलता है और क्रेमिका पे आओगे तो क्रेमिका और रोज संडे। सही बात है। हमारा डिजर्ट्स तो ये सारी आइसक्रीम्स वगैरह ये आ चुकी हैं और सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट टूटी फ्रूटी ट्राई करूँगी। पता ही है भाई क्रेमिका है, सो इट्स यू नो किंग ऑफ डेजर्ट्स ऑफ जलंधर आई मस्ट से। बैग का भी पूरा रश है, इतना वॉकिंग है, आप देख सकते हो कैमरे में भी कि हमने एडिट नहीं किया, लोग असली में खड़े हैं। बहुत ही अम्मी है गाइस, इतनी क्रीमिश इनकी आइसक्रीम्स हैं, मतलब लाइक वन ऑफ द टॉप ब्रांड इन जलंधर। एक ये क्रेमिका ब्रांड बन गया मेरे हिसाब से। बिल्कुल। सो लाइक फ्रूट क्रीम इज सो रिच, बड़ी क्रीमिश है, क्रीम का टेक्सचर इतना अच्छा है यार, मेल्टिंग माउथ। डोंट रोस्टर, लेट मी सी। बोल बोल बोल। इज राइट। नहीं, रसमलाई भी मुंह में घुल जा रही है, सारे एक से बढ़ के एक है। ये ग्लास तो बहुत अमेजिंग है यार। इसका कॉकटेल आएगा ना, तो साइड में से आ गया आ गया आ गया। जेली, कॉकटेल, ड्राई फ्रूट्स, हर चीज़ से भरी हुई है ये टूटी फूटी का ग्लास। ठीक है, इसमें लच्छे हैं, ब्लूदा आइसक्रीम है, रबड़ी है, बादाम है। गाइस नो वर्ड लिटरली, अगर हम इधर आगे बोलेंगे ना कि स्वाद नहीं है तो वो साफ ही झूठ होगा। हाँ, क्योंकि पता ही बहुत ही टेस्टी है। एंजॉय इतना कुछ खा रही है पर ये नहीं हुआ है मीठा, कुछ नमकीन दे दो। मतलब मज़ेदार है यार, बहुत मज़ेदार है। इसमें जो लच्छे होते हैं ना वो मेरे फेवरेट हैं। इधर इस दुकान का ये है कि तो 12 महीने रश रहता है, तो सर्दियों में गजरेला शुरू हो जाता है, हलवा शुरू हो जाता है। और आउटडोर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, गाड़ियों में बैठ के भी आप ऑर्डर दो, जोमेटो स्विगी पे है। प्राइजेस बड़ा बहुत जेन्युइन है, टेस्ट बहुत अच्छा है। अब इतनी वैरायटी हम नहीं ट्राई कर सकते भाई, हमने ये जो 4-5 की हमने बता दिया, बाकी हमने सारा शूट जितना हो रहा था हमने सब कोशिश करी कि कवर करी। अब आप लोग आना, अगर नहीं आए हो, आई थिंक मुझे लग रहा है सब लोग आए होंगे, कौन कौन नहीं आया प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, और जो जो आता है आपका क्या फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है मिलने वाला। मतलब लाइक इमेंस वैरायटी, मुझे लग रहा है हमने कई चीज़ें ट्राई भी नहीं करी, कभी भी नहीं खाई होंगी जो लोगों ने खाई है, है ना। सो आई ऑल हम चाहते हैं कि आप लोग हमें ज़रूर बताओ यहाँ पे आपका क्या फेवरेट है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ये वो भी चीज़ ट्राई करें, है ना। तो आई होप कि अभी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हम सारे ये हिडन जेम्स निकाल रहे हैं जलंधर के। और जलंधर आए तो क्रेमिका ना आए तो ये होने सकता। हाँ, फिर जलंधर आना आपका इनकम्प्लीट है, है ना। इवन पैटीज वगैरह है यार, कोल्ड सैंडविचेस, पैटीज, मतलब क्या है, मतलब क्या कुछ हम खाएंगे। रिसेंटली इन्होंने अभी रेस्टोरेंट भी बनाया है ऊपर, तो वो भी नेक्स्ट टाइम कभी इधर आएंगे तो शूट करेंगे इनका प्रॉपर। हाँ, तो वो भी मैं अभी जा रहा था ऊपर, देखा तो सारा खुलता है यार, तो वहाँ पे चाइनीज वगैरह। जब एक बार एक जब ब्रांड चल जाता है, लोगों को होता है यार इनका ये भी अच्छा ही होगा, ये भी अच्छा होगा। ये इनकी मेहनत है, इनके दादाजी की मेहनत है, जो पहले सिर्फ स्टॉल से अब इतना बड़ा शोरूम, मतलब मेहनत करो तो क्या नहीं होता। डेफिनेटली गाइस, हार्डवर्क करो, आई वुड ऑलवेज से कि हार्डवर्क करो, यहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लोग यहाँ से फॉरेन चले जाते हैं, वहाँ पर भी मेहनत एंड में करनी पड़ती है, तभी कुछ कमा पाते हो। तो व्हाई नॉट डू हेयर एंड लिव विद योर फैमिली एंड यू नो जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर एक ट्राई तो दो इधर, अगर नहीं बैठता कुछ तो फिर बंदा सोचे बस, भी बस, बस, सही बात। इधर भी ट्राई करो, लगन से करो तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर देख के तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि लाइक कहाँ से कहाँ पर पहुँचे हैं, और लिटरली ये सब उनका हार्डवर्क है। ठीक है, तो अब हम ये वीडियो को रैप करते हैं। बिल्कुल। तो या अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप ये आपको हमारा डेजर्ट वाला किंग अच्छा लगा होगा। तब तक हम ये इन्जॉय करें, आप लोग भी करो, बहुत गर्मियाँ हैं तो आप भी और बताओ आपने क्या खाया तो कैसा लगा। या सो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।